नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव। राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन के दिन आजकल ठीक नहीं चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने ऐसा जाल बुन दिया है जिसमें बुरी तरह उलझ गई है कांग्रेस। ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान सभा करने को बंगाल में हरी झंडी नहीं दी है। अब इसके क्या मायने हैं, ये हमारी रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी इस वक्त दिल्ली में हैं। खबरें हैं सोनिया गांधी की तबीयत अचानक खराब होने के चलते राहुल गांधी को न्याय यात्रा से दो दिन के लिए ब्रेक लेना पड़ा है। रविवार यानी 28 जनवरी को उनकी यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंचने वाली है। उन्हें 28 जनवरी को पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में रहना है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कांग्रेस की न्याय यात्रा में अड़ंगा लगा दिया है। राहुल की न्याय यात्रा 28 जनवरी को फिर से शुरू होनी है। राहुल गांधी यात्रा में वापस आएंगे तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों से होकर उनकी न्याय यात्रा गुजरेगी। यात्रा 29 जनवरी को बिहार में दाखिल होगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को पश्चिम बंगाल में फंसाने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। अब बीजेपी तो कह रही है कि ममता बनर्जी ने राहुल के अपमान के इरादे से यात्रा रोकी। पश्चिम बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी और बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल में सभा करने की अनुमति नहीं मिलने पर कहा, राहुल गांधी की यात्रा को अनुमति ना देने का ममता बनर्जी का फैसला इंडिया गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील की तरह है। इस फैसले का उद्देश्य कांग्रेस को अपमानित करना है। ये बहाना कि परीक्षा को देखते हुए ऐसा किया गया है एक दिखावा है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि बंगाल में परीक्षाएं 2 फरवरी से शुरू हो रही हैं और यात्रा को 28 जनवरी को सिलीगुड़ी में प्रवेश करना था। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा को पश्चिम बंगाल में इजाजत न मिलने की एक और वजह यह बताई जा रही है कि राहुल 28 जनवरी को न्याय यात्रा के लिए फिर बंगाल आने वाले हैं। उन्हें 1 फरवरी को बहरामपुर में रहना है। इसके लिए उन्होंने बहरामपुर स्टेडियम की मांग की है, लेकिन ममता बनर्जी के पूर्व निर्धारित प्रशासनिक कार्यक्रम के कारण राहुल गांधी को वो स्टेडियम देने से इनकार कर दिया गया है। दरअसल ममता बनर्जी की बैठक उसी स्टेडियम में आयोजित की गई। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को बंगाल में परमिशन ना मिलने की असली वजह जो भी हो, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद ममता बनर्जी का कांग्रेस से मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सभा करने की इजाजत नहीं देने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि ममता सरकार के इस फैसले का मकसद क्या कांग्रेस को नीचा दिखाना है? कांग्रेस अभी भी ममता बनर्जी से सिर्फ 5 मिनट के लिए यात्रा में शामिल होने की विनती कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पर ममता बनर्जी से बात भी की है। कांग्रेस को अब भी उम्मीद है कि आगे का कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैंने कहा है इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन 28 पार्टियों का गठबंधन, उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है और देश के बड़े नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं, बड़े ऊर्जावान नेता हैं ममता बनर्जी। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। हमारा नेतृत्व खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, सभी ममता जी के प्रति सम्मान और आदर है और सभी जानते हैं कि हमारे देश की राजनीति में ममता जी का एक विशेष स्थान है और अलग से पहचान है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ममता जी भी चाहती है बीजेपी को हराने को, हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को हराए। हम लोग एक होकर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन को हम सफल बनाएंगे, वो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। तो कांग्रेस और ममता बनर्जी में तनातनी तो लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन इसमें क्लाइमेक्स तब आया जब तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले और इसको लेकर हो रही देरी से नाराज थी। इंडिया जोट तो ममता बनर्जी का नाम पर ही बने थे। ये इंडिया अलायंस नाम ममता बनर्जी ने दिया। आज उन्होंने चाहती भी है कि इंडिया अलायंस सक्सेस हो, तो सब पार्टी को यही पर्पस होना चाहिए जो बीजेपी को साथ नहीं है कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ। तो चीफ मिनिस्टर शाही कहा, तुम बंगाल में आते हो, इंडिया अलायंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनर को स्टेट में आते हो जहाँ चीफ मिनिस्टर है, उनको साथ तो एक बार बातचीत करके आना सबसे अच्छा होते थे। और वाई बंगाल इज हैज़ नो मोर प्रायोरिटी फॉर नई यात्रा, मुख्यमंत्री इज एनफ कैपेबल टू फाइट बीजेपी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल।
किसी को यात्रा में नई यात्रा में ये सबका जरूरत नहीं है। और उनका नई यात्रा करने का कोई इच्छा थे तो ममता बनर्जी को साथ ये तृणमूल पार्टी को साथ बातचीत भी करके उन्होंने कर सकते थे। एक तरफ ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच खटास चल रही है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस तो क्या पूरे विपक्षी गठबंधन को ऐसा झटका दे दिया है जिसकी विपक्ष उम्मीद भी नहीं कर रहा होगा। पिछले महीने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में जब नीतीश को संयोजक बनाने का नाम चल रहा था तब ममता बनर्जी ने ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए आगे कर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया था। ममता के इस जाल में उलझकर नीतीश तो इंडिया गठबंधन छोड़कर ही चलने की तैयारी में लग गए थे। तो नीतीश और राहुल के लिए ममता बनर्जी की ये रणनीति कहीं उनकी प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा तो नहीं? अब इस तरफ सवालों की एक तरह से शुरुआत हो गई है। कांग्रेस, ममता और नीतीश के बारे में आगे जो जो भी अपडेट होगा हम सबसे पहले आपको बताते रहेंगे, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।